स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको ले जा रही हूँ हेयर वाले सलून में। यस दोस्तों, इफकारा में जो भी सलून है, मुझे तो 50-80% लगते कि खाली हेयर स्टाइल ही ज़्यादा होती है और कुछ सलून में होता नहीं है। तो देखिए, अब मैं आपको आज पूरे यहाँ पे जितने भी वैरायटी के हेयर स्टाइल होते हैं वो दिखा दूंगी कि कैसे होते हैं। अब देखिए, ये जो चोटियाँ बांधना शुरू किए, यहाँ के बाल थोड़े रफ टाइप के होते हैं, तो फिर इन्होंने आर्टिफिशियल जो होते हैं हेयर वो अपने बालों में अटैच करते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, देखिए ये जो बाल है, देखिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे लेके उसको ऐड करते हैं। कोई तो जेल होता है पहले, उसको लगा लेते ताकि बाल आराम से स्मूथली मतलब शिफ्ट हो या फिर आपस में उलझे नहीं। और इसे देखिए, थोड़ा सा इन्होंने लिया और रूट से ही इन्होंने अटैच किया और चोटी बनाना शुरू किया। नॉर्मल जो चोटी होती है हमारी, सिंपल सी, वही चोटी करते हैं लोग, बट ठीक है। देखिए हर बार वो हर एक स्ट्रिप में एक 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 चीज़ ले रही है और फिर उसको चोटी कर रही है। और देखिए पूरा टूर करवा रही हूँ मैं आपको सलून का। देखिए बाहर भी बैठ के लोग चोटियाँ बना लेते हैं, सलून के अंदर भी बैठ के बना लेते हैं, मतलब जैसे कस्टमर हो वैसा, मतलब क्राउड भी होता ही है। 90% हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो अभी मैं आपको ये फर्स्ट ये जो दिखाऊंगी, ये हमारी भाभी जी है जो चोटी बनाने आई हैं। और देखिए इन्होंने पहले फर्स्ट चोटी बना ली है और हाफ में इन्होंने नॉट डाल के छोड़ दिया। अभी क्या करेंगे, पूरे हेयर में सेक्शन लेंगे, सेक्शन लेके फिर चोटियाँ बनाएंगी। ये सारे आर्टिफिशियल हेयर ज्वाइंट करते हैं और यहाँ पे सभी लोग यही करते हैं। अभी देखिए इन्होंने क्या किया है, क्राउन में सेक्शन ले रहे हैं ताकि यहाँ पे ये थोड़ा राउंड शेप देंगे। इसके लिए इन्होंने पहले से सेक्शन लेके थोड़े से बाल को अब थोड़ा सा चोटी करके रख देंगे ताकि इनको बाद में डिफ़िकल्टी ना हो कि राउंड सेक्शन बराबर आया नहीं आया। लेकिन सच बोलूँ तो ये बहुत मेहनत का काम है, आप यकीन नहीं मानोगे, ये बाल बनाने में 5-6 घंटे लग जाते हैं, मतलब एक पर्सन के ये चोटियाँ बनाने में, क्योंकि सारे बालों को छोटे छोटे सेक्शन लेके वो चोटियाँ बनाते हैं और साथ ही में इनको अटैच करना होता है। और देखिए ये सेकंड क्लाइंट आई है, इन्होंने स्ट्रेट करना है बाल को, मतलब ये एक जेल लगा रही है और फिर इसको बालों में, फिर मतलब आयनिंग भी नहीं यूज़ करेंगे, इन्होंने एक जेल लगाया और फिर इसको ड्रायर से कंघी से ही सीधा सीधा करेंगी। और बाल की जो लंबाई है वो देख सकते इतनी है, मतलब मोस्टली इतनी होती है सबकी, सब अपने बालों में एड ऑन करते हैं आर्टिफिशियल जो भी हेयर होते हैं, मतलब असली बाल तो नहीं बोल सकते, मतलब यहाँ की जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम है, चाहे वो गर्ल्स ले लो या बॉयज़ ले लो। तो मैं तो अभी नॉर्मल से लोकल, जो यहाँ के लोकल सैलून है वहाँ पर आई हूँ ताकि थोड़े एक्सप्लोर कर सकूँ हेयर स्टाइल जो इन लोगों की है। तो मैं फर्स्ट टाइम आके मुझे पता चला कि यहाँ भी स्टाइल में वैरायटी है और अलग अलग तरीके से सब करते हैं। और सबसे ज़्यादा पसंद तो मुझे ये आया है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी है। देखिए वन साइड का इनका चोटी हो गया है और मतलब 4 सेक्शन हम कैसे लेते हैं बालों के, सेम ये ईयर टू ईयर सेक्शन, लेकिन इन्होंने पहले सेक्शन से कर लिया है। और देखिए सेकंड क्लाइंट और आ गए, जिन्होंने पर्मिंग, जैसा हम पर्मिंग करते हैं उस तरीके के रोल लेके इनको कर्ल्स करना है। कर्ल्स मतलब बड़े वाले, क्योंकि इनके एकदम निग्रो से भी निग्रो कर्ल्स बोल सकते हैं, मतलब वैसे हेयर होते हैं एकदम कर्ली। अब मैं बता नहीं सकती कितने कर्ली होते हैं, अगर आप हाथों से टच करके देखोगे तो पता चलेगा। ये बाल उगते हैं, लंबे होते हैं, बट वो इतने कर्ली होते हैं आपस में घुल जाते हैं। और ये देखिए इनका फ्रंट सेक्शन का जो चोटी है ये पूरा फिक्स हो गया है, जो इन्होंने क्राउन सेक्शन में लिया था आगे के राउंड। देखिए अब ये क्या कर रहे हैं, ये सारी जो चोटियाँ हो गई उनको ब्लैक धागे से ही सुई की मदद से एक दूसरे में सिल रहे, गुथ रहे, ताकि मतलब हम अपने सर को हिलाए या ऊपर नीचे उठे बैठे तो ये मिक्स ना हो या फिर डिज़ाइन आगे पीछे ना हो जाए। तो ये जो मोटा धागा होता है सुई का, उसी से लेके उसको आपस में ही एक दूसरे को सिल रहे ताकि ये फिक्स जगह पे रहे, ज़्यादा मूवमेंट ना हो इसकी, तो अपने हेड के हिसाब से वो उसको सिल रहे हैं। तो मतलब ये देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो बनाते हैं ना लोग बहुत टाइट बनाते हैं, मतलब अगर हम ट्राई करेंगे करना तो मतलब 2 दिन में खोल देंगे, मतलब इतना टाइट बनाते हैं। अगर नहीं बांधेंगे तो खुल जाएगा, बट मतलब फैशन है यहाँ का तो भाई ठीक है, लेकिन देखने में भी काफ़ी अच्छा है और अच्छा लगता है बांधता है तो। तो अभी देखिए खाली ये फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग का हुआ है, अभी बैक साइड का इनका बाकी है करना। तो मतलब इसमें ही इनको 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए, तो आप समझ सकते हो कि ये चोटियाँ बनाना काफ़ी
मेहनत का काम है। बेचारे चार चार पाँच पाँच घंटा खड़े होके मतलब चोटियाँ बनाते हैं और फिर इसको पूरा सेक्शन अच्छे से लेके फिर सुई से गूंथना। और ये देखिए बैक साइड का, ये खाली एयर टू एयर हुआ है अभी तक, वो भी हाफ छोटी किया उन्होंने। ये बैक साइड में इनका तरीका कुछ अलग है। ये अभी पहले सेक्शन लेंगे, मतलब नीचे से सेक्शन लेंगे और फिर बाद में बॉक्स टाइप का थोड़े थोड़े सेक्शन लेके उसमें एड ऑन करेंगे। एयर टू एयर में क्या करते हैं कि सीधा लिए जोड़ा और चोटी बनाना तैयारी। बट बैक साइड क्या करते हैं, ये पहले लेते बालों को स्टार्टिंग में चोटी नहीं करते, पहले राउंड राउंड करके पहले अटैच कर देते, फिर बाद में वही प्रोसेस की चोटियाँ बनाओ। लेकिन काफ़ी मेहनत का काम है और जो बैठना वो पेशेंस रखना तो बहुत बड़ी बात है कि 5 घंटा बैठ के जो एक ट्रीटमेंट होता है केराटिन का, रिबॉन्डिंग का जैसे टाइम लगते है, सेम इसका भी ऐसे टाइम लगता है। और ये मतलब अगर अच्छे से ना हुआ, टाइट फिक्स ना हुआ तो फिर एक हफ्ते में खुल भी जाएगा। और हेयर ग्रोथ तो भी होती ही होगी इनकी भी थोड़ी मोड़ी जो भी है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक महीना आप रख सकते हो, तो इसको हफ्ते दो हफ्ते में मतलब महीने में तो खोलना ही होता होगा। बट क्या है कि यहाँ के शौक है, फैशन है, तो फिर सब कराते हैं। ठीक है, कोई नहीं, लड़कियों के शौक भी तो ज़रूरी है। और यहाँ के सारे मतलब गर्ल्स बॉयज सब के बाल ऐसे ही होते हैं, थोड़े रफ टाइप के, बट अच्छे हैं। बट हेयर स्टाइल भी अच्छी लगती है, मतलब यहाँ के फैशन के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे और भी 2-3 क्लाइंट हैं, वो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये एक क्लाइंट है जिनका पूरा चोटी हो गया है, इनको ना ऊपर बन चाहिए था जूड़ा टाइप, वो भी बैक साइड में नहीं ऊपर, मतलब ये यहाँ का अलग फैशन है। मतलब इन्होंने तो पूरा बॉक्स बॉक्स में ही पहले चोटियाँ बांध ली हैं और फिर अभी ये सीधा सबको जॉइंट करके फिर वो धागे से ही सबका मेन ब्लैक धागे से मतलब सिलते, क्योंकि ये चोटियाँ खुल जाएंगी। हम मुंडी ऊपर नीचे आगे पीछे सोते होते तो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल बाल भी खुल जाते हैं। तो इन्होंने तो इतनी मेहनत की है, तो अभी ये पूरे सेक्शन साथ में उठा के ऊपर धागे की मदद से इसको पहले बांधेंगे, फिर बाद में डोनट जैसा जो भी है उसको ऊपर सर पर रखेंगे। मतलब ये भी फैशन मतलब बोले तो बहुत अच्छा है, आजकल का यहाँ का ट्रेंड है, सब बनाते हैं। तो मतलब मेहनत तो हर चीज़ में है। अब ये देखिए, मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ ये फैशन भी है और अच्छा भी है। और आपको बता दूँ ये जो बाल है ना, ये नायलॉन टाइप के होते हैं, मतलब सिल्की टाइप में होते हैं, एकदम ओरिजिनल हेयर जैसे नहीं है। मतलब इनके हिसाब से तो ठीक है, जैसे इनके हेयर है वैसे ही टाइप में होते हैं, लेकिन देखो बनाने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं। मतलब आप कलरफुल कर लो या ब्लैक में। और देखिए सबसे अच्छी बात, यहाँ बाल वॉश ऐसा होता है, मतलब आगे मुंडी झुका के, मतलब वैसे हम बैक साइड सो के करते ना हेयर वॉश हर जगह देखा है, लेकिन यहाँ पे मतलब सामने से मुंडी झुका दो और फिर हेयर वॉश ऐसे ही कर लो। मतलब जो भी क्लाइंट हो उसको ऐसा खड़े होके बोलेंगे सर झुकाओ और हेयर वॉश करो, ये यहाँ का प्रोसेस है। और देखिए एक ये क्लाइंट आई है जिन्होंने अटैचमेंट नहीं कराया हेयर का, लेकिन इनके खुद के हेयर है उससे ये चोटियाँ बना रही है। मतलब पूरे नॉर्मल चोटी, जैसे हम सेक्शन ले लेके चोटी बनाते हैं, इन लोगों के जो सेक्शन लेते हैं बहुत छोटे होते हैं। देखिए ये दूसरी एक क्लाइंट है जिन्होंने छोटे छोटे सेक्शन नहीं लिए, मतलब बड़े बड़े सेक्शन लिए। मतलब जैसा फैशन है, जैसे आप जैसे सेक्शन निकालो, छोटे निकालना है छोटे निकालो, बड़े निकालना है बड़े निकालो। तो अभी ये एक जो है ये अलग है, मुझे तो ये थोड़ी सागर चोटी के टाइप में लग रही है। देखिए ये वी सेक्शन में लिया है इन्होंने, 3 ही सेक्शन लिए पूरे बार में। और जो फर्स्ट फॉल पहले वाले थे उन्होंने तो एकदम बारीक बारीक सेक्शन लिए थे। मतलब फैशन है तो हर एक स्टाइल, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास ऐसे बाल है तो आप स्टाइल नहीं कर सकते। स्टाइल तो बहुत सारे हैं कि किसमें क्या करना है, किसमें क्या कर रहे हैं, ऑप्शन है। लेकिन ये काम तो है बहुत टाइम वाला, पेशेंस वाला काम है। और मैंने तो खाली देखने पे मुझे लगा कि जो बनाते हैं इनके हाथों में भी पेन होता होगा। और देखिए जो फर्स्ट फॉल पहले वाला दिखाया था मैंने, लॉन्ग हेयर वाले ये स्टाइल, देखिए बैक साइड का भी पूरा उनकी चोटी बन गई है। और बैक साइड में भी इन्होंने फिर से वापस से वही सुई धागा लेके, वो भी मोटे वाले धागे रहते हैं, पतले वाले नहीं, मोटे जो धागे होते हैं ना जो हाथ में पहनते हैं सब, वो वाले धागों से इन्होंने अभी सिलना शुरू कर दिया कि बैक साइड के भी जो बाल है वो एक साइड में एक सीधा रहे। मतलब यहाँ वहाँ से ऐसे आगे मुंह पे बाल पे ना आए बाद में, क्योंकि वो परेशान करेंगे नहाने में, बाल जाने में या ड्रेस वगैरह चेंज करने में परेशान करेंगे। तो ये लोग पूरा सिलते हैं। देखिए ये जो मैंने बताया था ना आपको छोटे छोटे सेक्शन, देखो ये लेकिन कितना प्यारा लग रहा है, मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत का काम तो है, लेकिन जब बन के निकल के आता है तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है कि हाँ यार मेहनत रंग लाई है बच्ची की।
सो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।